आठ नरवर कौन नरवर? अरे एक बनार बाबा हो जंगल पर कैसे गई है का गई है ना बस हवा कैसे बस हवा हरी के थोक की राजा का तू हरी के थोक हमारा वाला बस हवा का तो नू पाल है आजे तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं राहुल के पास और ये राहुल का जो है चप्पल टूट चुका है और ये जो है खीली डालकर यहाँ पे अपने चप्पल को ठीक करेगा। इसके बाद हम लोग जाएंगे जंगल की तरफ और आज हमारा जंगल का सफर कैसा रहता है ये देखेंगे जंगल में जाकर। तो दोस्तों अब हम लोग जो है निकल रहे हैं जंगल की तरफ और देखते हैं आज का हमारा जो जंगल सफारी है वो कैसा रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप चारों तरफ मवेशी हैं जो है फैली हुई हैं और ये मवहार है हरदुआ गांव का और हम लोग जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं पतरिया से होते हुए निकलेंगे चमरधारा, चमरधारा से फिर जाएंगे अपन भट्टाहार, भट्टाहार से फिर एक बंधा और बंधा से फिर दोस्तों हम जो है निकलेंगे बेड़ी गली। तो बने रहिए हमारे साथ आज के जंगल सफारी पे। तो दोस्तों अभी हम जो है भट्टाहार के पास आ चुके हैं और ये यहाँ पे जो है एक छोटा सा तालाब है ये देख सकते हैं आप सामने यहाँ पे गढ़रा का एक क्षेत्र है और इसके नीचे जो है ये तालाब है और यहाँ पे ज़्यादातर टाइगर पानी पीते हुए देखा गया है। और अब हम लोग जो है वो चल पड़े हैं बेड़ी गली की तरफ तो आप लोगों को वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। और दोस्तों बीच में हमें जो है अपन सरैया हार तरफ गए थे तो एक पुराना वीडियो पड़ा है जो कि हमें टाइगर देखने को मिला था तो उसको आपको बीच में दिखाएंगे। आगे आप उसको इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमने उस टाइगर को देखा था, उसके पग मार्क और वहाँ पे जो दो टाइगर एक फीमेल एक मेल टाइगर हमें देखने को मिले थे जो कि मेटिंग पे थे। तो आप आगे चलकर देख सकते हैं वीडियो में इसी वीडियो पे। दोस्तों हम भेड़ी गली के रास्ते पे आ चुके हैं और ये रास्ता जो है सीधे भेड़ी गली तरफ ही जाता है और आगे एक बार हमें जो है इसी रास्ते पे जो है टाइगर मिला था जो कि एक गांव के ही एक छोटा सा जो पड़ा है उसको पकड़ा हुआ था और यहीं पे आगे जो है 3 दिन तक बैठा रहा उसको खाते हुए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं बेड़ी गली का इलाका जहाँ पे काफ़ी ज़्यादातर टाइगर वहाँ पे रहता ही रहता है। तो बने रहिए हमारे साथ और जंगल सफारी का मजा लीजिए।
तो दोस्तों, जब तक हम इस भेड़ी गली के सफ़र पे हैं, तब तक आप हमारे पुराना वीडियो जो है सरैया हार पे जो टाइगर दिखे थे, तब तक आप उस वीडियो को देख लीजिए यहाँ पर। दोस्तों, हम जो है भेड़ी गली के काफ़ी करीब आ चुके हैं और यहाँ से जो है स्टार्ट होता है टाइगर का टेरिटरी एरिया, जो कि भेड़ी गली का टाइगर अलग है और जो है अमाहार क्षेत्र का टाइगर जो है वो अलग है और भट्टाहार में भी अलग ही टाइगर है। दोस्तों, यहाँ पे करीब लगभग ऐसा एक अंदाज़ा है कि 5-6 टाइगर इस क्षेत्र पर जो है ये पनपथा जोन के क्षेत्र पर हरदुआ गाँव के आसपास जो है टाइगर देखे गए हैं, काफ़ी मात्रा में है इस समय टाइगर। तो ये क्षेत्र जो है काफ़ी खूबसूरत के साथ साथ जो है ख़तरनाक भी है। दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी घने झाड़ियाँ और बड़े बड़े पेड़, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है नज़ारा यहाँ का। और हम आगे बढ़ ही रहे हैं दोस्तों, और ये जो क्षेत्र है ये यहाँ से करीब कुछ दूरी पर जो है एक छोटा सा तालाब पड़ता है, जहाँ पर बाघ जो है दोपहर के टाइम ज़्यादातर पानी पीते देखा गया है। और आप लोगों को लगता है कि मैं से बाघ को क्यों नहीं दिखाता, वजह यह है दोस्तों कि कुछ रीज़न हो जाते हैं कि जब बाघ सामने आता है तो एक उस टाइम जो है दिमाग में सिर्फ ये चलता है कि अपने आप को कैसा बचाया जाए। उस चक्कर में जो है टाइगर को अपने मोबाइल या वीडियो पे कैद नहीं कर पाते। वजह ये है कि हम बाइक पे रहते हैं और बाइक पे जंगल जाना खतरे से कम नहीं है, और टाइगर के काफ़ी करीब तक चले जाना और उसके बाद फिर कैसे वापस बचना है, इस चक्कर में जो है वीडियो पे हम नहीं दिखा पाते टाइगर को। उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, बशर्ते आपको पग मार, और अगर ऐसा कभी मौका मिलता है दूर से और क्लियर जगह पे रहता है तो दिखाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाते, पर जो है ज़्यादातर जो है ऐसे जगह पे मिलता है तो वहाँ से भागना और क्लियर जो है टाइगर नहीं दिख पाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा सफ़र जो है जंगल का बहुत ही प्यारा रहा, खूबसूरत रहा। बस दुख इस बात का है कि आज जो है हमें टाइगर देखने को नहीं मिला फिर से, तो अब हम वापस जा रहे हैं हरदुआ की तरफ। तो दोस्तों, ये जो है इलाका है ये हरदुआ के काफ़ी नज़दीक गांव जो है हरदुआ गांव उसका इलाका है, यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पर जो है हरदुआ गांव है। और ये जो है अभी जो अपन चल रहे हैं दोस्तों, वो ये इलाका पर जो है टाइगर शाम के वक्त कई बार देखा गया है। और यहाँ तक कि आप लोगों को बता दूं कि जब ये हरदुआ गांव के जो किसान हैं अपने मवेशियों को जंगल से गांव की तरफ ले जाते हैं, तो शाम के वक्त जो है टाइगर कई बार उनका पीछा करते हुए मेन रोड तक आया है। एक बार नहीं दोस्तों, कई बार ऐसा कांड हो चुका है कि टाइगर जो उनका पीछा करते मेन रोड तक आया है। और देख सकते हैं कि हम गांव के काफ़ी करीब आ चुके हैं,
आपको सामने जो है मेन रोड दिखता ही होगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो सफ़र है जंगल सफारी का वो यहीं पे समाप्त होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है गांव के मवेशियाँ जो है आपको दिख रहे हैं और सामने मेन रोड है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, किसी और अन्य वीडियो पे मिलते हैं किसी दूसरे जगह पे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान।